अब जो है मैनोमीटर के बारे में मैनोमीटर आपका जो है इट इज यूज फॉर द मेजरिंग द प्रेशर ऑफ गैस. With the help of manometer, we can measure with manometer. It is of two types. First is open limb, dusra closed limb. Manometer is a U-shaped tube hoti hai aapki, theek hai, jisme aap log mercury ko fill karte hain. Ek side hum iski gas se jod dete hain, maan lijiye gas container se jod diya humne yahan par. और दूसरी साइड आपकी ओपन भी हो सकती है एंड क्लोज हो सकती है. ओपन है तो ओपन मैनोमीटर, क्लोज है तो सो इसमें जो है आपका यहां से गैस प्रेशर लगाती है और यहां से एयर प्रेशर लगाती है. इसमें तीन पॉसिबिलिटीज होती है. एक तो दोनों का लेवल इक्वल, एक आपकी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसकी हाइट कम हो इसकी ज्यादा. तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपकी इसकी हाइट यहाँ पे गैस है. तीन पॉसिबिलिटी है तो मतलब जैसे भी दो लोगों में मान लीजिए फाइटिंग होती है तो उसमें तीन ही पॉसिबिलिटीज होती है. आइदर मैच विल बी इक्वल और ए विल बी विनर और बी विल बी विनर. तो यहाँ पर जो है आपका दोनों इक्वल है तो इस केस में आपका जो P गैस है दैट इज इक्वल टू पी ए. इसमें जो आपकी इसकी हाइट ज्यादा है यानी कि आपका जो गैस का प्रेशर है वो ज्यादा है तो इस हाइट के डिफरेंस जो मर्करी का प्रेशर है वो एयर के प्रेशर में आप जोड़ते हैं. तो P गैस इज इक्वल टू कहते हैं पी एयर प्लस एच डी. यहां पर क्या होगा एयर का प्रेशर ज्यादा है तो आपका ये क्वेश्चन है फाइंड द प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड ए कंटेनर इफ द मैनोमीटर अटैच्ड टू द कंटेनर शो द डिफरेंस ऑफ 60 मिलीमीटर. तो 60 मिलीमीटर में आपका दो ही पॉसिबिलिटी है कि एक हो सकता है ये वाली हो एक हो सकता है ये वाली हो. तो आपका ये डिफरेंस है तो ए माइनस बी हो सकता है डिफरेंस बी माइनस ए हो सकता है. तो इस केस में प्रेशर हो जाएगा आपका पी गैस इज इक्वल टू 760 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 820 एमएम ऑफ. इसमें क्या हो जाएगा आपका पी गैस इधर ले जाएगा इधर जो माइनस हो जाएगा 760 माइनस आपका 60 दैट इज 700 एमएम ऑफ. सो ये आपका एक क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कंटेनर ऑफ वॉल्यूम. ये वॉल्यूम आपका 10 लीटर है ठीक है जिसमें आपने यहां मरकरी भर दी है और ये हाइट है डिफरेंस है आपका 5 मीटर. और इसमें जो भरा हुआ लिक्विड है दैट इज ग्लिसरीन ठीक है. सो और डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन आपको गिवन है और डेंसिटी ऑफ मर्करी आपको गिवन है. तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो को यहीं पर पॉज करके खुद करने की कोशिश कीजिए और बाद में इसका फिर सॉल्यूशन. तो यहां पर जो गैस का जो प्रेशर है वो आपके एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस इस एचडीजी के बराबर है. इस एचडीजी में हमने मर्करी दिया के करते ग्लिसरीन. यदि हम इसी में मर्करी की हाइट लेते तो क्या लेते तो आपका एच ग्लिसरीन इनटू आपका डी ग्लिसरीन इज इक्वल टू एच एच जी प्लस डी एच. ये आपका कितना है 2.72 डेंसिटी है और इसकी हाइट मान ली 100 सेंटीमीटर है और 500 सेंटीमीटर है आपकी ठीक है. इज इक्वल टू एच एच जी निकालना है और डी एच जी आपका कितना हो जाएगा 13.6. तो इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो एच एच जी आपका जाएगा 100 सेंटीमीटर. तो टोटल प्रेशर आपका कितना हो जाएगा इस हाइट का प्रेशर प्लस एटमोस्फेरिक प्रेशर तो 76 सेंटीमीटर प्लस 100 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 7176 ठीक है. इसको ऑफ एचजी के इक्वल
तो प्रेशर आप लगा दीजिए पी वी इक्वल्स टू एन आर टी की इक्वेशन, प्रेशर आपका होगा 176 डिवाइड बाय 76 इनटू बी आपका 10 हो गया, एन निकालना है, आर आपका 0.0821 हो गया लीटर और एटीएम एटमॉस्फेयर में 300 हो गया, एन की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.94 वोल्ट। दैट इज योर आंसर।